हेलो स्टूडेंट, हम लोग घर से मैथामेटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस कर दी थी? ऑलरेडी 6 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी और डेरिवेटिव प्रॉपर्टी और इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हमारी मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी और मल्टी डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी। हमने जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन था उसके अंदर हमने क्या किया था? मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, पर इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? एस का, क्योंकि यहाँ एफ एस है, इसका आंसर कौन सी प्रॉपर्टी? मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी। हम इसका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ और इसके एक दो क्वेश्चन करेंगे कि कैसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे वो। तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी क्या है? इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी है एंड द कोई फंक्शन एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब कोई फंक्शन टी इज इक्वल टू जीरो पे एफ जीरो की वैल्यू कितनी हमारी? जीरो है। तो उस समय हमारी जो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि देन द लाप्लास इनवर्स एस एफ एस इज इक्वल टू एफ डैश टी। मतलब हमारा क्या होगा, जब एस का एफ एस से मल्टीप्लाई होगा तो उसका लाप्लास इनवर्स क्या होगा? हमारा एफ डैश टी। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? जब लाप्लास इनवर्स एफ एस एफ एस क्या होगा? एस एफ एस इज इक्वल टू एफ डैश टी। मतलब जो हम लोग एफ एस का एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा? एफ डैश टी, मतलब डेरिवेटिव को सॉल्व करेगा। मतलब जो हमारा एफ डैश टी होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस, क्योंकि एफ टी किसके इक्वल होता है? एफ एस के। तो हम लोग इसको ऐसे शो अप कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसका प्रूफ समझते हैं। इसके प्रूफ के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? देखो, आपको हम लोग को प्रॉपर्टी माइंड में रखना है कि हम लोग जो भी इनके प्रूफ कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग कौन सी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करें। जब हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी की थी तो उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ किया था, और हम लोग ने जब इंटीग्रल प्रॉपर्टी की थी तब हमने डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ की थी। अब इसके अंदर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? यूजिंग बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। ओके, यूजिंग बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेरिवेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ये होती है हमारी डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? ये होती है डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, और ये हमारी प्रॉपर्टी ये होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी हमारा? कि लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू लाप्लास एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ जीरो। लेकिन हमारे पास एफ, जब टी इज इक्वल टू जीरो पे हमारे एफ जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। तो हम लोग यहाँ पे जीरो वैल्यू पुट कर देंगे। लाप्लास इनवर्स एफ डैश टी इज इक्वल टू एस एफ एस। ओके, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, देन लाप्लास इनवर्स एफ डैश टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एस एफ एस। ओके, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? लाप्लास इनवर्स एस एफ एस इज इक्वल टू एफ डैश टी। क्या लिखेंगे? लाप्लास इनवर्स एफ एफ एस इज इक्वल टू एफ डैश टी। बहुत सिंपल था, हमें इसका स्टेटमेंट माइंड में रखना है। हमें एग्जाम के अंदर इस फॉर्म में भी दे सकते हैं और हमें बोल सकते हैं कि आप लोग डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का आप स्टेटमेंट लिखो और उसका प्रूफ करो। नहीं तो आपको इस कंडीशन में दे रखा हो तो आपको क्या करना है? यूजिंग बाय द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। डेरिवेटिव प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे किसकी? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की। ओके, प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमने यहाँ प्रॉपर्टी का वो प्रॉपर्टी लिख दी। हमारे पास एफ जीरो की वैल्यू जीरो है तो जीरो वैल्यू पुट कर दी। टेकिंग बोथ साइड ऑफ द क्या लिख दिया? लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स हमने बोथ साइड ले लिया, फिर हमारा लाप्लास इनवर्स कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये टर्म्स आ गई। ओके, तो हमारा ये हो गया। अगर हम लोग को यहाँ पे n टाइम्स तक दे रखा हो, इफ द जो लाप्लास इनवर्स है वो हमें एस एन, मतलब एस की पावर n, मतलब एच स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स थ्री हो, तो हमारा क्या होगा इसका स्टेटमेंट? हम लोग मैं डायरेक्ट n तक लिखती हूँ। लाप्लास इनवर्स एस की पावर n एफ एस
इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास एफ जीरो की वैल्यू जीरो की, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू भी क्या आएगी हमारी जीरो, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो, तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा एफ एन पी, उतनी बार क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन होता रहेगा। ओके, तो एफ अगर टी बराबर जीरो पे एफ जीरो की वैल्यू जीरो है, ओके, तो हमारा ये आ जाएगा जब एन पावर में दे रखा हो। जैसे सपोज हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि लाप्लास इनवर्स का क्वेश्चन करते हैं, हमें प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी समझ में आ गई और उसका क्या आ गया हमें स्टेटमेंट समझ में आ गया है, तो हम इसका एक प्रूफ समझते हैं क्वेश्चन क्या, सॉरी प्रूफ कैसा क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कैसे करना है। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। अगर आपको ये देखें, अगर आपको आपने बेसिक फॉर्मूले समझ रखे हैं तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूले से अगर आप आइडिया लगाए तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर को। अगर हम लोग को याद हो तो हम इसको क्या मान लेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए कितना हो गया टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट, हमारा आंसर अगर डायरेक्ट आप इसको निकालो तो लाप्लास इनवर्स इसका क्या आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर का कॉस टू टी, ये आएगा क्योंकि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है कॉस ए टी होता है लाप्लास इनवर्स उसका, तो हमारे पास कॉस टू डी आएगा। आपको वो सारे बेसिक फॉर्मूले अच्छे से पढ़ने होंगे तभी आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे, अगर आपको बेसिक फॉर्मूले प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो हम लोग को इसके अंदर क्या करना होगा, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग को क्या करेंगे, पहले प्रॉपर्टी क्या होती है लाप्लास इनवर्स एस अपॉन सॉरी एस एफ एस, इससे हम क्या कर देंगे इसको कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग, ओके, तो एस ये एस एस ही हो गया, एस एस कैंसिल आउट हो गया सेम चीज़ हो गई, तो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास एस, ठीक है ना, ये एस और ये एस है, तो ये वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन लाप्लास इनवर्स एस इंटू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर, ओके, हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम इसका क्या करते हैं लाप्लास इनवर्स फाइंड करते हैं, तो हमारे पास एफ टी आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स फाइंड करते हैं इसका टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, क्या कर दिया हमने टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर। अभी क्या बन गया वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म में बन गया, तो लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म में, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं वापस साइन में होगा ये लाप्लास इनवर्स किसका होता है वन अपॉन ए, तो वन अपॉन ए टू हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर में टू, वन अपॉन ए साइन टू डी, क्योंकि हमारे पास क्या होता है लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है हमारे पास वन अपॉन ए साइन ए डी, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, ठीक है, लिख दी मैंने यहाँ पे, ये हमारे इक्वल टू क्या आ गया एफ टी। अब हमारी जो मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी होती है वो क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए एफ डैश टी, अब हमारे पास एफ टी आ गया तो हम लोग क्या करेंगे इसको एफ डैश टी मतलब इसका क्या कर देंगे टी के विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा वन अपॉन टू कॉस टू टी इंटू टू, क्योंकि टी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसका भी हमें करेंगे डिफ्रेंशिएशन, टू हो जाएगा टू टी का हो जाएगा टी हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये टू से टू कैंसिल आउट, ये कितना आएगा यहाँ पे कॉस टू टी, ओके, तो हम लोग यहाँ पे जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी क्या होती है हमारा लाप्लास इनवर्स एस एफ एस इज इक्वल टू एस एफ एस इज इक्वल टू एफ डैश टी, ओके, एस एफ एस इज इक्वल टू एस एफ एस क्या हमारा वन अपॉन ये हो जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस टू टी, तो हमारा ये देखो ये आ गया आंसर, तो बहुत सिंपल है, पहले आपको क्या करना होगा इसका कंपेरिजन करना होगा एस को एस से अलग फिर एफ एस फाइंड कर देगा, इस कंपेरिजन से हमें आप पास एफ एस आ जाएगा, एफ एस आने के बाद लाप्लास इनवर्स फाइंड करना होगा, तो लाप्लास इनवर्स किसके इक्वल होगा एफ टी के इक्वल होगा, फिर आपको एफ डैश टी फाइंड करना होगा, क्या फाइंड करना होगा एफ डैश टी, जब आप एफ डैश टी फाइंड कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना होगा वो मल्टीप्लाई बाय टी सॉरी एस प्रॉपर्टी लगानी होगी, तो आप ये प्रॉपर्टी लगा के उसके अंदर वो आंसर फिल कर देंगे, ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन करवाती हूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लाप्लास इनवर्स क्वेश्चन क्या था अपना
क्वेश्चन लेते हैं अपन. लाप्लास इनवर्स एस अपॉन 4s² - 25. ओके, अब हम क्या कर देंगे, पहले हम लोग कंपेयर कर देते हैं एफ और एस को. इसको कंपेयर कर देते हैं, सेम चीज कंपेयरिंग करेंगे किससे, लाप्लास एस एफ एस से क्या करेंगे, कंपेयर. क्या फाइंड कर देंगे, एफ एस. कंपेयरिंग हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1/4s² - 25. ओके, अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हमें सिंगल टर्म चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे हम लोग फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ए एस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे. तो 1/4s² - 25/4. ओके, क्या आ गया, 1/4 कॉमन आ गया, 1/s² - 25/4. ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 1/4 1/s² - 5/2 का होल स्क्वायर. अब देखो, अब हमारा ये क्या बनेगा, इसका टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स क्या लेना है हमें, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स. तो लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1/4 1/s² - 5/2 का होल स्क्वायर. ये 1/4 को आप बाहर लिख दो, क्योंकि वो तो बाहर रहेगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखो ये 1/s² - a² किसका होता है, साइन हाइपरबॉलिक at का. ओके, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1/4 × 1/a होता है, 1/a 5/2 × sin hyperbolic 5/2, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है, 5/2. तो हम लोग को क्या लिखेंगे इसको, 2/4 × 5 sin hyperbolic 5/2. ओके, तो ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10, तो 1/10 sin hyperbolic 5/2. तो हमारे पास क्या आ गया, ft आ गया हमारे पास. अब हमारे पास क्या चाहिए, यहाँ पे एफ डैश टी चाहिए. तो एफ डैश टी क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के. तो एफ डैश टी इज इक्वल टू 1/10 cos hyperbolic 5/2 t × 5/2. ये क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 cos hyperbolic 5/2 t. क्या जाएगा, cos hyperbolic 5/2 t. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 cos hyperbolic 5/2 t, क्योंकि साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस हाइपरबोलिक 5/2 t आ जाएगा. ओके, फिर हमारे पास जो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी है, उसका हम लोग यूज करेंगे, इसका यहाँ पे शायद माइनस का आएगा. ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाप्लास इनवर्स एस एफ एस इज इक्वल टू एफ डैश टी. ओके, तो आपको यहाँ पे एफ डैश टी की वैल्यू पुट कर देनी है, एस एफ एस यहाँ पे जो एस एफ एस की वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा. ओके, तो बहुत सिंपल प्रोसेस था, एक बार अच्छे से वापस से देख लो. आपको एफ एस फाइंड करना होगा, एफ एस के बाद आपको उसका लाप्लास इनवर्स निकालना है. तो लाप्लास इनवर्स निकालने के बाद आप उसमें क्या कर देंगे, उसको एफ टी आ जाएगा. फिर एफ टी आने के बाद उसका एफ डैश टी निकालेंगे, फिर हम लोग इस प्रॉपर्टी के अंदर यूज कर देंगे. ओके, अब हमारी लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी है डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी. क्या स्टेटमेंट है उसका, वो सब चीज हम यहाँ पे समझते हैं. क्या पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी. क्या पढ़ेंगे, डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी. सेम, इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू इंट्रीगल 0 to t. क्या होगा, इंट्रीगल 0 to t एफ यू डी यू. हम लोग यहाँ पे यू टर्म्स यूज करेंगे, वहां पे हम लोग एस की टर्म यूज करते थे. इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंटीग्रल के अंदर होगा उसको यू टर्म्स में लिखेंगे. किस टर्म्स में लिखेंगे, हम लोग यू टर्म्स में, क्योंकि एस क्या है, डमी वेरिएबल. सो इसका आंसर हम यू टर्म में.
तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, वापस से समझते हैं इसका स्टेटमेंट, अच्छे से देखो आप इसका स्टेटमेंट। डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी का, सॉरी एस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है, इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी है, और हम लोग इसका लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो टू टी एफ यू डी यू। जब किसी भी फंक्शन एफ एस का एस के साथ डिवाइडेशन हो तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल जीरो टू टू एफ यू डी यू करेंगे। प्रूफ समझते हैं, सिंपल प्रूफ इसका, हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी, यूजिंग बाय इंटीग्रल प्रॉपर्टी, कौन किसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। तो यूजिंग बाय द इंटीग्रल प्रॉपर्टी किसके लिए यूज करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज करेंगे। तो हमारी क्या हो जाएगी, लाप्लास जीरो टू टी एफ एस डी एस इज इक्वल टू, हमारा क्या आ जाएगा, हमारा एफ एस डी एस इज इक्वल टू हमारा एफ एस बाई एस। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एस की जगह क्या यूज करेंगे, यू, और दोनों तरफ से क्या लेंगे, दो चीज यूज करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स लाप्लास जीरो टू टी एफ एफ यू डी यू इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन एस। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा, लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी एफ यू डी यू। तो हमारे क्या हो गया, प्रूफ। देखो सिंपल चीज है, कैसे प्रूफ कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी को कैसे प्रूफ कर दिया हमने, इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी है, तो हमारे पास इसका स्टेटमेंट था एफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी एफ यू डी यू। हमने कौन सी इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज की, इंटीग्रल प्रॉपर्टी ये थी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एस की जगह यू पुट कर देंगे, और लेकिन दोनों साइड से क्या कर दिया, लाप्लास इनवर्स दे दिया, तो लाप्लास इनवर्स आ गया, फिर ये यहाँ कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो आपको अच्छे से करना है, देखो मैंने आपको जितनी 8 प्रॉपर्टी समझी है उसका स्टेटमेंट प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए, एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं लाप्लास इनवर्स के भी और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के भी, दोनों के, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट तो बहुत सिंपल था आपको, ठीक है। अब हम क्या करें, स्टेटमेंट सिंपल था, प्रूफ सिंपल था, अब हम क्या करते हैं, इसका एक दो क्वेश्चन लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, इसका क्वेश्चन फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं इसका, फाइंड द लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन एस एस प्लस ए। सेम जैसे मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी में क्या, इससे कंपेरिजन करना है, इस फॉर्मे से क्या करना है हमें, कंपेरिजन, लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस सॉरी एफ एस अपॉन एस, क्या करेंगे इससे, कंपेरिजन, कंपेयरिंग। ओके, कंपेयरिंग करने पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वन अपॉन एस प्लस ए। ओके, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, टेकिंग क्या होगा, बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, क्या कर देंगे, टेकिंग बोथ साइड क्या ले लेंगे हम लोग, लाप्लास इनवर्स। तो क्या हो जाएगा ये, लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस ए, तो इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस ए टी लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस, क्या होगा, ई की पावर माइनस ए टी, इसका क्या होता है, लाप्लास इनवर्स वन अपॉन, ये कैसे किया है, यूजिंग बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, एफ एस से कंपेरिजन करना है, कंपेरिजन के बाद आपको लाप्लास इनवर्स निकालना है, ये हमारे किसका, एफ टी के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो हमारा ये किसका, एफ टी के इक्वल भी होगा और हमारे किसके इक्वल होगा, एफ यू के भी, एफ यू कैसे लिखेंगे, ई की पावर माइनस ए यू इज इक्वल टू एफ यू। ओके, तो हम लोग क्या लगाएंगे, अब डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी, तो लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन एस इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू टी एफ यू डी यू, एंड इंटीग्रल जीरो टू टी ई की पावर माइनस ए यू डी यू, तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए यू अपॉन माइनस ए एंड लिमिट जीरो टू टी, तो ई की पावर माइनस ए टी
ये माइनस वन अपॉन ए बार रहेगा माइनस ई की पावर जीरो, ई की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, देन माइनस वन अपॉन ए ई की पावर माइनस ए टी माइनस वन, तो इसको हम लोग माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा वन अपॉन ए वन माइनस ई की पावर माइनस ए टी। तो कितना सिंपल स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पे आपको क्या लिखना है एफ एस अपॉन एस क्या लिखना है वन अपॉन एस अपॉन एस प्लस ए। देखो कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल शॉर्ट तरीके से समझो ये लाप्लास इनवर्स है एफ एस निकाल देना, एफ एस निकालने के बाद लाप्लास इनवर्स एफ एस निकालना है, वो एफ टी के इक्वल होगा, जो हमारे एफ टी के इक्वल होगा उसको एफ यू में लिखना है, मतलब टी की जगह क्या लिख देना है आपको यू, फिर आपको ये प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको इसका इंटीग्रल कर देना और इंटीग्रल से जो ऊपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसको डाल के आपको सॉल्व कर देना है। तो प्रोसेस सिंपल ही रहेगा, पहले कंपेरिजन एफ एस फाइंड, एफ एस के बाद लाप्लास इनवर्स, लाप्लास इनवर्स के बाद एफ टी आ जाएगा, एफ टी से हम क्या कर देंगे उसको एफ यू टर्म्स में लिखेंगे, टी इज इक्वल टू यू में लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, फिर इंटीग्रल करेंगे, लिमिट लगा देंगे। अगर हमें सपोज ये तो अभी एस था, अगर हमें यहाँ पे एस स्क्वायर में दे रखा हो कोई क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं उसको स्क्वायर में दे रखा हो तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, चीज़ को मैं आपको समझा देती हूँ। एस में दे रखा था, अगर इसी को हम सपोज इसी को हम लोग स्क्वायर में करें, यहाँ पे आपको एस स्क्वायर एस प्लस ए था, अभी हमने क्या निकाला था यहाँ पे वन अपॉन एस एस प्लस ए क्या निकाला आपने वन अपॉन ए वन माइनस ई की पावर माइनस ए टी निकाला। ओके अब आपको अगर एस स्क्वायर हो तो आपको सेम क्या करना है यूजिंग बाय डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी क्या लगाना है इधर वन अपॉन एस स्क्वायर एस प्लस ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपन यहाँ पे इसी का क्या कर देंगे और अगेन इंटीग्रेशन कर देंगे लिमिट जीरो टू टी किसका वन अपॉन ए वन माइनस ई की पावर माइनस ए टी। ठीक है आप अगर एस स्क्वायर में दे रखा हो तो हमें क्या करना है एक बार हमने इंटीग्रेशन करके ये निकाल दिया एस एस प्लस वन पहले आपको एस एस प्लस वन की वैल्यू फिर एस स्क्वायर एस प्लस वन इसका अगेन इंटीग्रेशन इस फॉर्म में इसका अगेन क्या करना होगा इंटीग्रेशन करना होगा तो वन अपॉन ए क्या होगा यहाँ पे एक्स सॉरी डी टी के अकॉर्डिंग सॉरी डी यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी यू के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या होगा यू हो जाएगा इसको हम लोग किस में लिखेंगे वन अपॉन ए वन माइनस ई की पावर माइनस ए यू। ओके तो ये एफ यू और आ जाएगा। ओके तो यू माइनस ई की पावर माइनस ए यू अपॉन माइनस ए लिमिट जीरो टू टी वन अपॉन ए लिमिट क्या होगी अपर लिमिट माइ लोअर लिमिट टी माइनस ए की पावर माइनस ए टी यहाँ पे अगर ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक फिर माइनस जीरो माइनस ई की पावर माइनस जीरो अपॉन यहाँ पॉजिटिव का ये ए। ओके क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस का पॉजिटिव मैंने ऐसे लगा दिया। ओके अब ओपन करेंगे ये क्या होगा टी प्लस ई की पावर माइनस ए टी अपॉन ए माइनस का वन हमारा ये आंसर आ जाएगा। जब हमें ऐसे एस स्क्वायर में दे रखा हो तो पहले आपको एस एस प्लस वन सेम जो प्रोसेस मैंने वहाँ किया था वो प्रोसेस सेम करना है फिर आपको वापस से यूजिंग बाय एस प्रॉपर्टी यूजिंग करनी है जो ये वाली है इसका वापस से इंटीग्रेशन करना है अपर और लोअर लिमिट डाल देनी है। ठीक है तो आपको मैं इसका एक और क्वेश्चन आपको देती हूँ तो आप सॉल्व करना ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ ये क्वेश्चन ताकि आपको समझ में आएगा कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। एक तो लिखना है आपको लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस नाइन। ओके सेकंड मैं आपको देती हूँ लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस क्यूब एस स्क्वायर प्लस वन। ओके इसके अंदर आपको लगानी है डेरिवेटिव सॉरी डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय टी एस प्रॉपर्टी और उसके अंदर डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी लगानी है तो बहुत ही सिंपल तरीके से है आप ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोगों की जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सारी जो प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे।